तेजमयो देवा महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जग वंदन अंजनि सुत बलधारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट ना आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। ये राक्षस भय से मानने वाले नहीं है, इनका संहार करना होगा। लक्ष्य तुम्हारे सामने है, अब प्रहार करो। परंतु अभी से इन चारों कुमारों को शस्त्रों की शिक्षा देना कदापि आवश्यक नहीं है। वो समझ गए हैं कि कैके जो कुछ भी कर रही है वो कुमारों के लिए उचित नहीं है। हमें खुशी होगी दीदी यदि यह बात महाराज को समझ में आ जाए। छोटी माँ हम लोगों से बहुत प्रेम करती है, वो हमारे सुख दुख का सदैव ध्यान रखती है। आपकी माता कैके का आप लोगों को इस तरह शस्त्रों की शिक्षा देना रघुकुल की परंपरा के अनुकूल नहीं है। प्रजा हमारी हंसी उड़ाएगी। इसमें हंसी की क्या बात है पिताश्री? एक पुत्र के लिए उसके माता पिता ही उसके प्रथम गुरु होते हैं, और छोटी माँ जो कुछ भी कर रही है कुछ सोच समझकर ही कर रही होंगी। क्या बात है महाराज, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हमें पता है महाराज कि आप अपने हृदय की बातें हमसे नहीं बताएंगे, पर मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं आपको उदास नहीं देख सकती स्वामी। नहीं महारानी कौशल्या, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आप हमसे कुछ नहीं बताना चाहते हैं, कोई बात नहीं स्वामी, मैं आपसे हट नहीं करूंगी। महारानी कौशल्या, हमारी चिंता कुमारों को लेकर है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कैकेयी उन्हें शस्त्रों की शिक्षा क्यों दे रही हैं। इसमें चिंता की क्या बात है महाराज, परंपरा के अनुसार आप कुलगुरु वशिष्ठ को बुलवा लें, वो उन्हें अपने साथ ले जाएंगे और उचित शिक्षा प्रदान करेंगे। कुलगुरु वशिष्ठ, यही उचित होगा महारानी, यही उचित होगा। प्रणाम गुरुदेव। क्या सूचना है अयोध्या राजमहल की, वहाँ सब ठीक तो है ना? नहीं गुरुदेव, महारानी कैके की नीतियाँ और उनके क्रियाकलाप महाराज की चिंता का कारण बन गया है। ऐसा क्या कर दिया है महारानी कैके ने कि जो उनकी नीतियाँ महाराज की चिंता का कारण बन गई हैं? महारानी कैके तो हमेशा अयोध्या के बारे में चिंतित रहती है। गुरुदेव, महाराज की चिंता ये है कि जो कार्य उनका है उनमें महारानी कैके अपना हस्तक्षेप क्यों कर रही है।
ये हस्तक्षेप नहीं है। महारानी कैकेयी तो उस धर्म का निर्वाह कर रही हैं जो प्रत्येक नारी को करना चाहिए। महारानी कैकेयी अयोध्या पति की अर्धांगिनी है और उन्होंने महाराज की युद्ध क्षेत्र में भी रक्षा की है और वो समर्थ भी है। महाराज दशरथ जिन बातों को नहीं सोच रहे, अगर महारानी कैकेयी उन बातों को सोच रही हैं, तो इनमें अनुचिति क्या है? महाराज वशिष्ठ को सुमंत का प्रणाम। आइए मंत्रीवर, कैसे आना हुआ? अयोध्या पति महाराज दशरथ ने आपको राजमहल में आमंत्रित किए हैं। ठीक है मंत्रीवर, उन्हें बताइए कि मैं पूर्णिमा के दिन उनसे मिलने अवश्य आऊंगा। जी गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। संकट मोचन जय हनुमान। अंतिम समय में तुम अपने उस वानर का स्मरण कर लो। खालो, खालो, खालो। संकट मोचन जय हनुमान। बोलिए श्री रामचंद्र की। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। अयोध्या में श्री राम सहित सभी कुमारों की लीला का लोग आनंद ले रहे थे। उधर अयोध्या राजमहल में उस दिन की प्रतीक्षा होने लगी जब वशिष्ठ जी कुमारों को अपने साथ शिक्षा के लिए ले जाएंगे। उधर महारानी कैकेयी महाराज के लिए ही नहीं पूरे राजमहल के लिए एक पहेली बन गई थी। परंतु सब कुछ होते हुए भी महाराज का प्रेम कैकेयी के प्रति कम नहीं हुआ था। पंडित जी, श्री राम सहित तो चारों भाई गुरु वशिष्ठ के यहाँ जाने वाले थे, तो क्या हनुमान जी भी उनके साथ गए? बहुत सुंदर प्रश्न है। हनुमान दिन रात ये सोचने लगे थे, यदि श्री राम जी शिक्षा के लिए जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? राम से अलग रहने की बात सोचकर ही उनकी आंखें भर आती थी। दूसरी तरफ बाली को पूरा विश्वास था कि यदि हनुमान सुग्रीव के साथ हो गए तो सुग्रीव कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो हनुमान को अयोध्या में ही रोकने की चाल चल रहे थे। इसके लिए उसने मारीच और सुबाहु की मदद लेना चाहा। ताड़का के बेटे मारीच और सुबाहु ने बाली के दूतों को हनुमान का साथी समझकर उन्हें बंदी बना लिया, जिसकी सूचना बाली को मिली। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो सूचक? महाराज, ताड़का पुत्र मारीच और सुबाहु ने हमारे दूतों को बंदी बना लिया है। ये कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता कि मारीच और सुबाहु ऐसा कर सकते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो सूचक। मुझ पर विश्वास करें महाराज, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। यदि ये सच है तो मारीच और सुबाहु मेरे क्रोध को नहीं जानते। यदि वो मेरे दूतों को नहीं छोड़े तो उनका विनाश होगा। विनाश, 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 विनाश। मुझे बाली के नाम पर भ्रमित मत करो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि असत्य बोलने का दंड है मृत्यु। केवल और केवल मृत्यु। मैं भला असत्य क्यों बोलूंगा राक्षसराज? मुझे महाराज बाली ने ही भेजा है। असत्य मत बोलो। तुम दूत नहीं, मेरे शत्रु हनुमान के गुप्तचर हो। यदि हम गुप्तचर होते तो सीधे हम आपके पास क्यों आते? छिपकर आपके क्रियाकलापों को देखते
धृष्टता मत करो। मैं किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना चाहता। बस अंतिम समय में तुम अपने उस वानर का स्मरण करो। ठहरो, 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 ठहरो। संकेत पर नाचती है उसके दूतों की यह दशा। रक्त संस्कृति की दुहाई देने वाले राक्षस क्या ये भूल गए कि किसी राजकीय दूत को बंदी बनाना घोर अपराध है? क्या राक्षस भूल गए कि किसी राजकीय दूत को बंदी बनाना अक्षम्य है? दंडता के लिए चाहे जो भी दंड दिया जाए वो कम है। क्या भूल गए तुम सब राक्षसों के बनाए विधान? समस्त राक्ष नीतियों की बलि चढ़ा दिए तुम सबों ने। कायर हो तुम दोनों, घोर कायर। मृत्यु में मिला दी किष्किंधा की प्रतिष्ठा, किष्किंधा के सम्मान पर कलंक हो, कलंक। आज तक जिस पाली का सर संसार में कहीं नहीं झुका वो आज अपने दूतों को बंदी के रूप में देख रहा है। क्या आत्मरक्षा करने का भी बल नहीं है तुम में? आप भूल रहे हैं किष्किंधा पति बाली, ये आपका प्रदेश नहीं है, ये हमारा साम्राज्य है और यहां वही होता है जो हम चाहते हैं। और वैसे भी हमने इन दोनों को बंदी इसलिए नहीं बनाया कि ये आपके दूत हैं। हनुमान नाम के एक वानर ने बहुत उत्पात मचा रखा है। हमें लगा कि ये उसका मित्र और सखा होगा। अप्रत्यक्ष रूप से वो वानर मेरा भी शत्रु है और इसी विषय में हम आपको कुछ कहने आए हैं, किंतु कुछ कहने से पूर्व तुम हमारे दूतों को मुक्त करो। हम मित्रता के भाव से आए हैं, शत्रु भाव से नहीं। और यदि हम इन्हें मुक्त न करें तो? किष्किंधा राजपाली के सामने कोई ऐसी बातें नहीं करता तारका पुत्रों। यदि हमारे दूतों को नहीं मुक्त किया गया तो अनर्थ होगा, घोर अनर्थ। संकट मोचन जय हनुमान। हम राक्षसों से बड़ी शक्तिशाली कौन है? हम किसी अनर्थ से नहीं घबराते वानरराज, किंतु आपके सम्मान में हम इन दोनों को मुक्त करते हैं। इन्हें मुक्त किया जाए। अब प्रसन्न हैं? कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? वैसे उस वानर ने आपका क्या बिगाड़ा है? यदि आप उस वानर का अंत चाहते हैं तो आपके और हमारे लिए हम उस वानर का अंत अवश्य करेंगे। फिर भी हम जानना चाहते हैं कि उस वानर ने आपका क्या बिगाड़ा है? अभी तक तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, किंतु भविष्य में मेरे शत्रु बने भाई सुग्रीव की सहायता करने वाला है।
जो राक्षसों के लिए शुभ नहीं है और हमारे लिए भी, परंतु उसमें हमारी क्या हानि है? सुग्रीव की शक्ति राक्षसों के विनाश का कारण बन सकती है और सुग्रीव सदैव राक्षसों का विरोधी रहा है और यह भी सत्य है कि तुम और तुम्हारा सैनिक उसका अंत कदापि नहीं कर सकते। क्यों? इतना शक्तिशाली है वो वानर? वो साक्षात भगवान शिव का रूप है और भगवान शिव के अंश को भला कोई कैसे मार सकता है? वो केवल शिव का रूप ही है ना, स्वयं शिव तो नहीं। और यदि वो शिव नहीं है तो हमसे नहीं बच सकता। और यदि आपको ज्ञात है कि कोई भी उसका अंत नहीं कर सकता, तब आप किस विश्वास के साथ हमारे पास आए हैं? हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? हनुमान अभी अयोध्या में है, वहां अयोध्या कुमारों का मनोरंजन कर रहा है। हम चाहते हैं कि हनुमान सदैव अयोध्या में ही रहे और कुमारों का मनोरंजन करता रहे। वानरराज, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि हम उस वानर को बंदी बना ले? उसे रोकने का एकमात्र उपाय यही है। इसके लिए आपको माता तारका से मिलना होगा किष्किंधापति। हम आपको कदापि वचन नहीं दे सकते। संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। छोड़ दो मुझे। प्रणाम माते। प्रणाम माते। ये कौन है इस प्रदेश में? हम किष्किंधा राज बाली हैं देवी तारका। तुम्हारे पुत्र मारीच और सुबाहु मुझे भली भांति जानते हैं। तारका वन में किष्किंधापति? एक विशेष प्रयोजन से आए हैं। कहो क्या चाहते हो? एक राजनीतिक समझौता। तुम हमारी सहायता करो और हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हमें भ्रमित मत करो किष्किंधापति। हम भली भांति जानते हैं कि तुम वानर ऋषियों और महर्षियों के रक्षक हो। हम यहाँ ऋषियों की रक्षा का निवेदन लेकर नहीं आए हैं ताड़का। हमारा लक्ष्य वो वानर है जो तुम्हारा भी शत्रु है। वो राक्षसों का विनाश चाहता है और हमारा भी। वानर राज बाले हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं माते? उसी ने हमारे सैनिकों को घायल किया है। हमने उस मायावी वानर के बारे में आपको पहले भी बताया है। वो आकाश मार्ग से कहीं भी आता जाता है। तो क्या वो अभी तक जीवित है? हाँ माते। तुमने उसका अंत नहीं किया? वो कोई दैवी शक्ति है। दैवी शक्ति? हम राक्षसों से बड़ी शक्तिशाली कौन है?
तुम्हें ज्ञात नहीं कि लंकाधिपति रावण तो देवताओं को भी परास्त कर चुके? यदि तुम उसका अंत नहीं कर सकते तो मैं उसका वध करूंगी। हमारे सैनिकों पर प्रहार करने वाला जीवित नहीं रह सकता है। यदि ऐसा संभव हुआ तो किष्किंधा का द्वार राक्षसों के लिए खोल दिया जाएगा। ये हमारा वचन है, वानरपति बाली का वचन। अपना वचन भूल मत जाना किष्किंधापति, अन्यथा मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। क्षमा करना मेरी भी प्रकृति में नहीं है तारका। अगर वो वानर रिस्मुख पर्वत की ओर लौट आया तो ये बाली राक्षसों का सबसे बड़ा शत्रु होगा। ब्रह्मते संपन्न कौशल कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ पधार रहे हैं। आइए गुरुदेव, हम सभी इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। आइए आइए। आसन ग्रहण करें। कभी लगता है कि तुम्हारा जन्म मेरे लिए हुआ है। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजम मारुत तुल्य वेग, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।